Join everyone. Very good evening, everyone. Today's topic for presentation that is called collective bargaining and green HRM. कुछ कुछ टॉपिक बचे उन सब चीजों के हम लोग बात करेंगे. सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इनसे कई बार पेपर्स में यूजीसी नेट में और कमीशन के एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है. टूडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट कलेक्टिव बार्गेनिंग. तो बिफोर स्टार्टिंग द कलेक्टिव बार्गेनिंग, नाम समझ में आ रहा है कलेक्टिवली जो बार्गेनिंग करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग. तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट कैसे स्टार्ट हुआ, इन सब चीजों की पहले बात कर लेते हैं. फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव और कंपोजिट और प्रोडक्टिव कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है. तो पहले बेसिक हिस्ट्री की हम लोग बात करेंगे. द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग वॉज इंट्रोड्यूस वेरी लेट इन इंडिया. ए ट्रेड यूनियन वर फाउंड इन 20th सेंचुरी. द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग अटेंड सिग्निफिकेंट आफ्टर द 1962. द फ्रेज कलेक्टिव बार्गेनिंग इज सेड टू बी क्वाइंड बाय सिडनी एंड पैट्रिक वैब एंड बाय द ग्रेट ब्रिटेन. It is made up from two words, that is a collective which means group and bargaining which means proposals and counter the proposals. So it is in a process which the representatives of a labor organizations, the representatives of business organizations meet and attempt to negotiate a contract or agreement. We specify the nature of employer-employee-union relationship. So collective bargaining kya hota hai, ye to pata hi hai. Jab bhi aap kisi ko ऑर्गेनाइजेशंस में डिससेटिस्फेक्शन है, ग्रीवेंसेज होता है या अपनी बात को नहीं होता है, उसके अलावा भी अपनी बात को सब रखना चाहते हैं, तब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर अपनी बात को ऑर्गेनाइजेशन के सामने, मैनेजमेंट के सामने अपनी बात को रखते हैं. भले लीव की बात करिए, सैलरी की बात करिए, ओवर टाइम की बात करिए, तो कोई कई कारणों की वजह से हम लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं. ठीक है. हिस्ट्री की बात करेंगे कि इन द ईयर 1913, the California legislature extended the 8-hour law to people's nurses. ठीक है. 1919 में formation of the Union of the Steward and Nurses. 1930 में the National Labor Relation Act NLRA established. 1934 में actively campaigned for the 8 hours per day. पहले 8 घंटे की बात करते थे कि एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे. 1941 में क्या हुआ, कैलिफोर्निया स्टेट नर्सेस एसोसिएशन रिप्रेजेंटेड द नर्सेस कंसर्न बिफोर द लेबर बोर्ड. 1946 द कैलिफोर्निया नर्सेस एसोसिएशन बिकेम द फर्स्ट नर्स एसोसिएशन टू रिप्रेजेंट द नर्सेस. तो कहीं ना कहीं इस तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट आया. स्टार्टिंग यूएस से हुआ, उन्होंने अपनी बात रखी ऐसे करके हल्के हल्के इंडियाज में. इंडिया की बात करेंगे तो लेट 20th सेंचुरी में कहीं ना कहीं कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट आया. कलेक्टिव बार्गेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, to resolve the differences over knotty issues. जो भी knotty issues होते हैं उनको उनको differences जो भी हैं उनको resolve करें. Protect the interest of workers through collective actions. Workers के interest को protect किया जाए through the collective actions. Carry out the negotiation voluntary without interference from third party. मतलब directly जब दो या दो से ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है तो directly वो अपनी बात कर रखते हैं management के सामने. Without interference of third party, तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करते. Arrive at an amicable agreement through a process of give and take. To arrive at an agreement on basis and other conditions of employment. कई सारे कारणों की वजह से हम लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं. सैलरी की बात हो गई, बेजेस की बात हो गई, वर्किंग आवर की बात हो गया, ओवर टाइम की बात हो गई, ठीक है, या टाइम की बात हो गया, या कई किसी भी कारणों की वजह से आप लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग के तहत अपनी बात मैनेजमेंट के सामने रख सकते हैं. टू हैव पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद द म्यूचुअल बेनिफिट एंड प्रोग्रेस. टू मेंटेन द एम्प्लॉयज एम्प्लॉय रिलेशनशिप बायलेटरली. एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज की रिलेशन लगातार बना रहे तो इसीलिए बायलेटरली दोनों लोग बैठ के अपनी बातों को सुलझाते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करेंगे. कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ टू वे ग्रुप प्रोसेस वेयर द एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव्स एंड एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव्स सिट टुगेदर टू नेगोशिएट टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट.
जहां पर ये टू वे ग्रुप प्रोसेस होता है। पूजा ये पीजीटी का क्लास नहीं है, यूजीसी नेट क्लास है, पीजीटी का क्लास दूसरा वाला है, उसमें देखिए हमने आपको लिंक भेजा है पीजीटी के लिए, उसमें वो वाला ज्वाइन करिए आप। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग इज ए टू वे प्रोसेस वेयर द एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव्स और एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव्स सिट टुगेदर टू नेगोशिएट टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयड। तो जो एम्प्लॉयर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है वो बैठता है, और एम्प्लॉयज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होता है बोलो दोनों लोग साथ में बैठ के अपनी बात को रखते हैं और उसको नेगोशिएट करते। स्ट्रेंथ बोथ द पार्टी इन कलेक्टिव बार्गेनिंग आर स्ट्रॉन्ग एंड इक्वल वॉलेंट्री, बोथ पार्टीज कम टू द नेगोशिएशन टेबल वॉलेंट्री इन ऑर्डर टू गो इन अ पर्टिकुलर नेगोशिएशन, इट इज बेस्ड ऑन डिस्कशन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। सिंपल है बहुत, फॉर्मल, इट इज ए फॉर्मल प्रोसेस इन विच सर्टन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इशूज आर टू बी रेगुलेटेड एज ए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क प्लेस लेवल्स। फ्लेक्सिबल, इट इज ए फ्लेक्सिबल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस नॉट फिक्स आर स्टेटिक। कोई पत्थर का लकीर वाली बात नहीं होती, स्टैटिक नहीं होता है। समटाइम्स आपने बोला कि 100 रुपये सैलरी बढ़ा दो, वो बोला नहीं 80 बढ़ाएंगे, तो हो सकता है आप 90 पे अग्री हो जाओ, दैट इज कॉल्ड, इसीलिए हम इसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं। इंप्रूवमेंट, इट इज अ मैथड टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज रिलेशन इन ऑर्डर एंड रिजॉल्व द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो दोनों लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उन कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और ताकि एक जो रिलेशन है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज से रिलेशन इंप्रूव हो, लंबे समय तक की काम साथ में दोनों लोग मिलकर करते रहें। आगे रिप्रेजेंटेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट डजंट डायरेक्टली डील विद द एम्प्लॉयज, इट कैरीज नेगोशिएशन विद द रिप्रेजेंटेटिव्स एग्जीक्यूटिव्स ऑफ यूनियंस एंड एसोसिएशन। जैसे हमने आपको ट्रेड यूनियन बताया था, ट्रेड यूनियन में क्या है, ट्रेड यूनियन के जो लीडर्स होते हैं वो कहीं कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब 100 लोगों को दिक्कत है कि 100 के 100 लोग जाके मैनेजमेंट के सामने अपनी बात रखने लगे, उनमें जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो भी 2 लोग या 4 लोग 10 लोग, वो ओनली 2 पर्सन विल कम फॉरवर्ड और वो लोग अपनी बात मैनेजमेंट के सामने रखेंगे, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही मैनेजमेंट की तरफ से अगर 100 लोग हैं टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स में, उसमें से कुछ 10 लोग 5 लोग 2 लोग सामने आएंगे, तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जो मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सामने आएगा, और जो लेबर को या एम्प्लॉयज को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सामने आएगा, दोनों लोग बैठ के अपनी बात को समझाएंगे और नेगोशिएट करेंगे। इट इज इन अ डायनेमिक इन नेचर, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ वेरी डायनेमिक दैट गो ऑन चेंजिंग ओवर अ पीरियड एंड ग्रोज एंड एक्सपेंड द वे ऑफ अग्रीमेंट, द वे ऑफ इंप्लीमेंटेशन, द वे ऑफ डिस्कशन। लगातार इट्स टोटली बार्गेनिंग इज अ टोटली डायनेमिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस को क्यों बोलते हैं? क्योंकि लगातार चीजें इसमें चेंज होती रहती हैं। हो सकता है तो आज आप वर्किंग आवर्स के लिए बार्गेनिंग कर रहे हो, कल आप सैलरी के लिए बार्गेन करो, परसों आप ओवर टाइम के लिए बार्गेनिंग करो, नेक्स्ट डे आप अलग चीज के लिए बार्गेनिंग करो, दैट इज कॉल्ड, इट इज इन अ डायनेमिक इन अ प्रोसेस इन अ नेचर। ये डायनेमिक है, गतिशील है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है, और हर बार आपकी चीजें अलग होंगी। कंटिन्यूस कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ कंटिन्यूस एंड बिगिन विद द अग्रीमेंट implementation of the agreement and further negotiation, simple hai. Bi-party process because the employees and employers representative negotiate directly face to face across the table. Two party aapas mein baith ke table ke ek side mein ek party baithi, ek table ke dusri side mein party baithi hai, dono baith ke aapas mein negotiate karte hain, theek hai. Samajh gaye, koi doubt yahan pe, yahan tak? अब आया टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन यहां से आता है। डाउट
आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ बार्गेनिंग। चार टाइप्स की होती है, कंजक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, कॉपरेटिव और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग एंड कंपोजिट बार्गेनिंग। ठीक है, तो चार टाइप की बार्गेनिंग होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको सही से समझ लीजिएगा, समझ में आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा। कंजक्टिव बार्गेनिंग इज द मोस्ट, कंजक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बार्गेनिंग एंड इन्वॉल्व जीरो सम नेगोशिएशन। इन अदर वर्ड, वन साइड विन एंड अदर साइड लूज। बोथ पार्टी ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर रिस्पेक्टिव गेन एंड ट्राई टू सेटल इकोनॉमिक इश्यूज सच एज वेजेस, बेनिफिट, बोनस एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, यूनियन नेगोशिएट फॉर मैक्सिमम वेजेस एंड द मैनेजमेंट वॉन्ट टू यील्ड एज लिटिल एज पॉसिबल वाइल गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द वर्कर्स। तो कुल मिलाकर इसमें क्या है, देखिए दोनों पार्टी इसमें मैक्सिमाइज देयर गेन करने की बात करती हैं। एक पार्टी इसमें जीतती है, दूसरी पार्टी इसमें हारती है। एम्प्लॉयज कह रहे हैं कि हमको 100 रुपये चाहिए, अभी सैलरी कितनी है 50, और मैनेजमेंट कह रहा है कि हम 50 रुपये से ऊपर नहीं देंगे, काम करना है करिए, नहीं करना नौकरी छोड़ के चले जाइए। तो इसमें क्या होता है, या तो दो चीज़ें होती हैं, या तो वो या तो कहेगा कि ठीक है हम 100 रुपये दे देंगे तो एम्प्लॉयज जीत जाएंगे, तो एम्प्लॉयज जीतेगा और लेबर और मैनेजमेंट हार जाएगा। अगर वो बोलता हमने 100 रुपये नहीं देंगे, 50 रुपये देंगे, आपको काम करना है करिए, नहीं करना है कोई बात नहीं, तो आपको इसमें इम्प्लाइज हार गए। तो कंजक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग क्या होती है, इट इज ए जीरो सम नेगोशिएशन। इन अदर वर्ड, वन साइड विन अदर साइड लूजेस। एक पार्टी जीतेगी, दूसरी पार्टी हारेगी, एंड बोथ द पार्टी ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर गेन। दोनों पार्टी कोशिश यही करती है कि ज्यादा से ज्यादा गेन मिल जाए। एक पार्टी करती है कि हम 100 से नीचे नहीं आएंगे, दूसरी पार्टी कहती है 50 से ऊपर नहीं जाएंगे। तो उसमें एक पार्टी जीतेगी, दूसरी पार्टी हारेगी। बोथ द पार्टी ट्राइज टू मैक्सिमाइज देयर गेन, दे ट्राई टू सेटल द इकोनॉमिक इश्यू सच एज वेजेस, बेनिफिट, बोनस। समझ गए, कंजक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। सेकंड है कॉपरेटिव और इंटीग्रेटिव। नाम से समझ में आ रहा है, कॉपरेटिव बार्गेनिंग। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग इज सिमिलर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस इन विच बोथ द साइड्स आर ट्राइंग टू रीच ए म्यूचुअली बेनिफिट अल्टरनेटिव। दोनों पार्टी एक ऐसी स्थिति पर पहुंचना चाहती हैं और बोथ द पार्टीज, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। बोथ द एम्प्लॉयर्स एंड द यूनियन ट्राई टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट टू द बेनिफिट ऑफ द बोथ द पार्टी। बोथ साइड शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इंटरेस्ट एंड कंसर्न। दे क्रिएट ए लिस्ट ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन टू बेस्ट मीट एवरी वन नीड्स। इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉयर ने बोला हमको 100 रुपये चाहिए, लेबर ने और एम्प्लॉयज ने बोला 100 रुपये चाहिए, कंपनी बोली 50 रुपये देंगे, एम्प्लॉयज बोला 90 रुपये पे हम सेटल कर लेंगे, कंपनी बोलते हम 60 पे करेंगे, तो कहीं आके 70 रुपये पे ये 75 रुपीज पे ये अग्री हो गया। एम्प्लॉयज 75 पे अग्री हो गए और एम्प्लॉयर बोला ठीक है 75 दे देंगे। तो कॉपरेटिव और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग जहां पे दोनों पार्टियां जीतती हैं, एक म्यूचुअल एक परिणाम निकालने की कोशिश करती है, म्यूचुअल रिजल्ट निकालने की कोशिश करती है। ठीक है, तो बोथ साइड्स आर ट्राइंग टू रीच ए म्यूचुअली बेनिफिशियल अल्टरनेटिव। तो वो 100 रुपये से 75 पे आ गए, वो 50 से 75 पे आ गए, 75 पे डील डन हो गई। दैट इज कॉल्ड कॉपरेटिव और प्रोडक्टिव बार्गेनिंग। क्लियर। अगला आया प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, ए फॉर्म ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग लीडिंग टू प्रोडक्टिव अग्रीमेंट इन विच मैनेजमेंट ऑफर्स अ पे राइज इन एक्सचेंज फॉर अल्टरनेटिव अल्टरेशन टू एम्प्लॉयज वर्किंग प्रैक्टिस डिजाइन टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज एन अग्रीमेंट इन विच एडवांटेज ऑफ वन काइंड और अनदर सच एज हायर वेजेस और इंक्रीज द लेजर आर गिवन टू वर्कर्स इन रिटर्न फॉर अग्रीमेंट ऑन देयर पार्ट टू एक्सेप्ट चेंजेस इन वर्किंग प्रैक्टिस और इन मैथड इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स विच विल लीड टू मोर एफिशिएंट वर्किंग। देखिए इसको मतलब क्या है, इसको छोड़िए जो लिखा हुआ है, इसको समझने की कोशिश करिए। प्रोडक्टिव बार्गेनिंग होती है जब लेबर कहता है कि मेरी सैलरी 50 रुपये से 100 रुपये कर दो। इम्प्लॉयज क्या करता है, वो आपका काम 8 घंटे की जगह 16 घंटे कर देता है। आपको स्टार्टिंग में तो लगता है कि इनको 50 से 100 रुपये वाली सैलरी हो गई, उसके साथ ही वो आपका काम भी डबल कर देता है। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव बार्गेनिंग, प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। तो जितना अगर उन्होंने बोला 50 से 75 रुपये कर दो, सपोज दैट उसने काम क्या करा 8 की जगह 12 घंटे कर दिया। स्टार्टिंग में तो लगता है कि आपकी सैलरी बढ़ गई, बट एक टाइम के बाद आपको लगता है कि यू आर आपका एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो गया, आपकी सैलरी नहीं बढ़ी, आपको काम बढ़ा दिया गया, उसके बदले में आपकी सैलरी बढ़ गई। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। समझ गए, 50 रुपये सैलरी थी, 8 घंटे काम कर रहे थे, सैलरी कर दी 100 रुपये, काम कर दिया आपका 16 घंटे, तो कहीं सैलरी तो बढ़ी नहीं, सैलरी तो आपकी उतनी रही ना। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, प्रोडक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है,
यार क्लियर है ना? अब नेक्स्ट है कंपोजिट बार्गेनिंग। यस सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट हुआ कंपोजिट बार्गेनिंग। कंपोजिट बार्गेनिंग क्या होता है? वर्कर्स बिलीव दैट प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग अग्रीमेंट इंक्रीज देयर वर्कलोड, रैशनलाइजेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, टाइट प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स हैव एडेड टू देयर बर्डन, मेड द लाइफ ऑफ वर्कर्स समवॉट अनइजी। As an answer to such problems, labor has come in favor of composite bargaining. In this matter, labor bargain for wages as usual, but goes a step further demanding equity in the matter relating to their work norms, employment levels, manning standard and environmental hazards, etc. देखिए ये क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग समझ में आ गया। कंपोजिट बार्गेनिंग क्या होता है? जब वर्कर्स को लगता है कि प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग से उनका क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन होना ज्यादा शुरू हो गया, वर्कलोड उनका बढ़ गया और उससे क्या हुआ, उनकी लाइफ थोड़ी उन वर्कर्स की लाइफ समवॉट अनइजी हो गई, तो वो लोग क्या कहते हैं, चलो ठीक है हमको ना कंजक्टिव चाहिए, ना कंपोजिट चाहिए, ना कंजक्टिव चाहिए, ना इंटीग्रेटिव चाहिए, ना प्रोडक्टिविटी चाहिए, हमको चाहिए कंप्लीट बार्गेनिंग। कंप्लीट बार्गेनिंग क्या होता है? वो रूल्स रेगुलेशन पे आ जाता है, कहता है एज पर द नॉर्म्स प्रोवाइड करिए। एज पर द नॉर्म्स, एज पर द नॉर्म्स मतलब जो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जितनी सैलरी डिसाइड कर दी गई या जो प्रिवेलिंग रेट चल रहा है उस कॉलोनी में, उस एरिया में, उस सिटी में, वो उस रेट्स के अनुसार हमको सैलरी प्रोवाइड करिए। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी मान लीजिए सिक्स पे कमीशन के अनुसार 80,000 बन रही है, कहता है ठीक है ना हमको 1,00,000 चाहिए, ना हमको 50,000 रुपये चाहिए, जो भी एक एज पर द ग्रेड, एज पर द नॉर्म्स, एज पर द इक्विटी जो भी सैलरी बनती है वो सैलरी हमको दे दो। मतलब एज पर द रूल्स रेगुलेशन की वो बात करने लगता है कि एज पर द पे ग्रेड जितनी सैलरी बनती है उतनी सैलरी प्रोवाइड कर दो हमको, दैट्स क्वाइट ओके, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट बार्गेनिंग। अब बताइए चारों में कोई डाउट, कंजक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, कोऑपरेटिव और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, कंपोजिट बार्गेनिंग, चारों में कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से बताइए। किसी को किसी प्रकार का इन चारों में बार्गेनिंग में कोई डाउट हो तो बताइए। इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स मतलब कि इन्वायरमेंट के चक्कर में कोई इंपैक्ट हो रहा है आपके ऊपर, ये वाला बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स।
चलो क्लियर। अब आई इशू ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कौन कौन से इशूज कलेक्टिव बार्गेनिंग में डिस्कस किए जाते हैं? वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन, वर्क नॉर्म्स, रूल्स रेगुलेशन, इंसेंटिव पेमेंट, जॉब सिक्योरिटी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, वर्क टूल टेक्निक एंड प्रैक्टिसेस, स्टाफ ट्रांसफर एंड प्रमोशन, कोई ग्रीवेंसेस है, डिसिप्लिनरी मैटर्स मैटर्स, हेल्थ एंड सेफ्टी, इंश्योरेंस एंड बेनिफिट, इंडियन रिकॉग्निशन, इंडियन एक्टिविटीज, मैनेजमेंट राइट, इन सब चीजों की हम लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंतर्गत बात करते हैं। ये हमने पहले बता चुके हैं आपको, पीटर प्रिंसिपल और गोल्डन पैराशूट। एक बार दोबारा बता दे रहे हैं ये कॉन्सेप्ट, गोल्डन पैराशूट और पीटर प्रिंसिपल क्या होता है। पीटर प्रिंसिपल इज एन ऑब्जर्वेशन दैट द टेंडेंसी इन द मोस्ट ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्कीज सच एज दैट दैट ऑफ ए कॉर्पोरेशन इज फॉर एवरी इंप्लॉयज टू राइज इन द हायरार्की थ्रू प्रमोशन अंटिल दे रीच ए लेवल ऑफ रिस्पेक्टिव इनकॉम्पिटेंसी। इन अदर वर्ड्स, ए फ्रंट ऑफिस सेक्रेटरी हु इज क्वाइट गुड एट हर जॉब मेनी दस हु प्रमोटेड टू एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू द सीईओ फॉर बिस सी इज नॉट ट्रेंड और प्रिपेयर्ड फॉर, मीनिंग दैट सी वुड बी मोर प्रोडक्टिव फॉर द कंपनी एंड लाइकली हर सेल्फ इफ सी हैड नॉट बीन प्रमोटेड। कुल मिलाकर कहने का मतलब है, एक इंसान को जब तक कि प्रमोट करिए जहां तक कि उसकी कॉम्पिटेंसी रहती है, अगर उससे ऊपर उसको अगर प्रमोट करेंगे तो क्या होगा, इनकॉम्पिटेंसी आ जाएगी। यहाँ पर एग्जाम्पल हमने बताया है कि एक कोई थी, कोई सेक्रेटरी की जॉब कर रही थी, बहुत अच्छी जॉब कर रही थी, उसको प्रमोट करके हमने क्या कर दिया, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बना दिया सीईओ को। फिर क्या हुआ, वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए ट्रेंड नहीं थी, उससे क्या हुआ, उसकी कॉम्पिटेंसी कम हो गई। ठीक है, तो पीटर प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट वी शुड प्रमोट द इंडिविजुअल्स ऑन ऑन एज पर द पर्टिकुलर स्टेज। अगर उससे ऊपर किसी को प्रमोट कर दोगे तो उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरा मैनेज कर पाए। क्लियर। अगला बताया था गोल्डन पैराशूट। एक गोल्डन पैराशूट कंसिस्ट ऑफ ए सब्सटेंशियल बेनिफिट गिवन टू टॉप एग्जीक्यूटिव इफ द कंपनी इज टेकन ओवर बाय अनदर फर्म एंड द एग्जीक्यूटिव्स आर टर्मिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द मर्जर और टेक ओवर। गोल्डन पैराशूट और कॉन्ट्रैक्ट विद द की एग्जीक्यूटिव एंड कैन बी यूज एज अ टाइप ऑफ एंटी टेक ओवर मेजर्स ऑफन कलेक्टिवली रिफर्स टू एज पॉइजन पिल्स। कुल मिलाकर मतलब है, अगर किसी टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव को नौकरी से निकालोगे, टर्मिनेट करोगे, या आपकी कंपनी किसी से मर्ज हो गई, आप कंपनी मर्ज हो गई तो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव तो एक ही रहेगा ना, दो थोड़े ना रहेंगे, या किसी ने टेक ओवर कर लिया, तो एज पर द गोल्डन पैराशूट रूल ये होता है कि उसको आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगला आया वेजेस एंड टाइप्स। समझ गए पीटर प्रिंसिपल और गोल्डन पैराशूट रूल, कोई डाउट किसी को? पीटर प्रिंसिपल और गोल्डन पैराशूट रूल में कोई डाउट? चलो आया वेजेस एंड टाइप्स। वेजेस तो पता ही, मिनिमम मजदूरी जो हम लोग देते हैं, इसके चार टाइप होते हैं, मिनिमम वेजेस, लिविंग वेजेस, मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल और फेयर वेजेस। पहले मिनिमम वेजेस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द फेयर वेजेस कमेटी मिनिमम वेजेस शुड प्रोवाइड नॉट ओनली फॉर द बेयर नेसेसिटी ऑफ अ वर्कर, इट शुड ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू मिनिमम वेजेस मस्ट बी सफिशियंट टू प्रोवाइड ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर एसेंशियल एमिनिटीज। तो मिनिमम वेजेस वो वेजेस होती है जो एक इंसान को उसको बेसिक एमिनिटीज के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए जो प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं मिनिमम वेजेस। क्लियर। फिर होता है लिविंग वेजेस। लिविंग वेजेस मीन द वेजेस दैट मे बी सफिशियंट टू प्रोवाइड फॉर द बेयर नेसेसिटीज एज वेल एज द सर्टेन एमिनिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज। इट मीन्स द लेवल ऑफ वेजेस दैट मे बी सफिशियंट टू प्रोवाइड फॉर द बेयर नेसेसिटीज सच एमिनिटीज दैट आर कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर वेलबींग्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड हिज फैमिली मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद द सोशल स्टेटस। तो लिविंग वेजेस में क्या होता है कि उसको इतना पैसा प्रोवाइड करिए कि वो सोशल स्टेटस भी मेंटेन कर सके, जिस सोसाइटी में रह रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसको पैसा प्रोवाइड करना चाहिए। तो मिनिमम वेजेस हो गया कि न्यूनतम मजदूरी प्रोवाइड करो ताकि वो बेसिक एजुकेशन ले सके, बेसिक हेल्थ प्रोवाइड कर सके, बेसिक असेंशियल एमिनिटीज वो ले सके। बट लिविंग वेजेस की हम लोग बात करते हैं, लिविंग वेजेस मीन्स द वेजेस दैट मे बी सफिशेंट, पर्याप्त होता है टू प्रोवाइड फॉर द बेयर नेसेसिटीज
एज वेल एज द सर्टेन एमेनिटीज फॉर द एम्प्लॉयज. कुछ जो बेसिक जरूरतें हैं उसको पूरा, रोटी कपड़ा मकान पूरा कर पाए, उसके अलावा कुछ और जो एमिनिटीज होती हैं उनको भी पूरा कर पाए, इतना पैसा देना चाहिए. उसके अलावा उनके, इट मीन्स द लेवल ऑफ बेजेस दैट मे बी सफिशियंट टू प्रोवाइड फॉर द बेयर नेसेसिटीज एंड सच एमिनिटीज दैट आर कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर वेलबींग्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड हिज फैमिली मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद द सोशल स्टेटस. उनके पूरी फैमिली मेंबर को इतना पैसा दे देना चाहिए ताकि वो सोशल स्टेटस भी मेंटेन कर सके. इसको बोलते हैं लिविंग वेजेस. तो मिनिमम वेजेस इज लेस देन लिविंग वेजेस. ये नोट कर लीजिएगा, लिविंग वेजेस इज ग्रेटर देन मिनिमम वेजेस, याद रखिएगा. वेयर मतलब मिनिमम, कम से कम. कहते ना हिंदी में बेयर, ताकि जरूरतें पूरी कर सके. अकॉर्डिंग टू द मिनिमम वेजेस शुड बी नॉट ओनली फॉर द बेयर नेसेसिटी, ताकि जरूरतों को पूरा कर सकें, कम से कम जरूरतों को पूरा कर सकें. फिर आया मिनिमम सब्सटेंस लेवल. व्हेन एम्प्लॉय गेट द रेमुनरेशन इनफ ओनली फॉर प्रोवाइडिंग द बेयर नेसेसिटीज फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली मेंबर इज कॉल्ड द मिनिमम सब्सटेंस लेवल. जब हम लोग बिल्कुल केवल उसको बेसिक एमिनिटीज, रोटी कपड़ा मकान के लिए केवल पैसा प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं मिनिमम सब्सटेंस लेवल. मतलब उससे नीचे प्रोवाइड करेंगे तो इंसान क्या होगा, खत्म हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उसको. तो व्हेनेवर वी आर प्रोवाइडिंग द वेजेस दैट इज कॉल्ड एट ए मिनिमम सब्सटेंस लेवल. सब्सटेंस मतलब सर्वाइविंग. उससे नीचे अगर प्रोवाइड करेंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो केवल उतना पैसा हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो केवल सर्वाइव कर पा रहा है. इन दिस सिचुएशन द रेमुनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज कैन मीट ओनली द बेयर रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली. तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है रोटी कपड़ा मकान, केवल वही पूरा कर पा रहा है, उसके अलावा और कोई भी नीड पूरी नहीं हो रही. फिर आया ए फेयर वेजेस. फेयर वेजेस समथिंग मोर देन द मिनिमम वेजेस. फेयर वेजेस इज अ मीन बिटवीन द लिविंग वेजेस एंड मिनिमम वेजेस. फेयर वेजेस जो होता है वो हमारा मिनिमम वेजेस और लिविंग वेजेस के बीच का होता है. मोर देन मिनिमम वेजेस बट लेस देन लिविंग वेजेस. व्हाइल द लोअर लिमिट ऑफ द फेयर वेजेस मस्ट ऑब्वियसली बी द मिनिमम वेजेस, द अपर लिमिट इज द कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री टू पे फेयर वेजेस कंपेयर टू रीजनेबल विद द एवरेज पेमेंट ऑफ सिमिलर टास्क इन अदर ट्रेड ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग फॉर सेम अमाउंट ऑफ एबिलिटी. तो कुल मिलाकर यहां पर हम लोग बात करते हैं. पहले वाले में हमने क्या बात किया, पहले वाले में क्या कि वेजेस शुड बी प्रोवाइड ओनली फॉर द बेयर नेसेसिटीज ऑफ द वर्कर. इट शुड ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर. वहां पर मेंटेनेंस और एफिशिएंसी की बात भी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. एजुकेशन की बात भी कर रहे हैं, हेल्थ की बात भी कर रहे हैं कि एजुकेशन के लिए पैसा प्रोवाइड करिए, हेल्थ के लिए प्रोवाइड करिए. बट यहां पर केवल रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे हैं, ठीक है. फेयर वेजेस में क्या हो गया कि आपको मिनिमम वेजेस से ज्यादा लिविंग वेजेस से काम, और उसके अलावा दूसरा क्या है, आप कितना पैसा प्रोवाइड करिए ताकि जो रेट इसी काम के लिए दूसरी जगह चल रहा है उतना नहीं, प्रिवेलिंग रेट जो कहते हैं प्रिवेलिंग रेट. सपोज दैट अगर एक टीचर को पढ़ाने के लिए सेवेंथ क्लास या एट्थ क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं 20,000 रुपए मिल रहे, तो आप भी 20,000 प्रोवाइड करिए. तो सेम ऑक्यूपेशन में, सेम ट्रेड में, सेम व्यापार में जितने पैसे और दूसरी जगह मिल रहे हैं उतने पैसे हमको भी प्रोवाइड करना होगा. दैट इज कॉल्ड फेयर वेजेस. क्लियर? तो फेयर वेजेस इज अ समथिंग मोर देन द मिनिमम वेजेस. फेयर वेजेस इज द मीन बिटवीन द लिविंग वेजेस एंड मिनिमम वेजेस. व्हाइल द लोअर लिमिट ऑफ द फेयर वेजेस मस्ट ऑब्वियसली बी द मिनिमम वेजेस, द अपर लिमिट इज द कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री टू पे फैन वेजेस कंपेयर रीजनेबली विद द एवरेज पेमेंट ऑफ सिमिलर टास्क. मतलब ऐसे काम कोई दूसरी जगह कर रहा है, यही सेम टास्क करके किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा है, तो कितना पैसा मिल रहा है उतना ही पैसा प्रोवाइड करिए. दैट इज कॉल्ड फेयर वेजेस. थैंक यू सो मच. ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया, कलेक्टिव बार्गेनिंग. पीटर प्रिंसिपल, गोल्डन पैराशूट रूल और वेजेस. यहां तक कोई डाउट है तो बताइए.
नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन एचआरएम, ये बहुत छोटा टॉपिक है। ग्रीन एचआरएम, ग्रीन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या होता है, ग्रीन एचआरएम, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। ग्रीन एचआरएम क्या होता है, आज हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ द ग्रीन एचआरएम, नीड फॉर ग्रीन एचआरएम, ग्रीन फॉर प्रैक्टिसेस, एडवांटेज ऑफ ग्रीन एचआरएम, डिसएडवांटेज, कंक्लूजन। ठीक है, पहले ग्रीन एचआरएम क्या होता है, ग्रीन से समझ में आ रहा है कि हरा भरा। ग्रीन एचआरएम इज द यूज ऑफ एचआरएम पॉलिसीज टू प्रमोट द सब्सटेंसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मोर जनरली प्रमोट द कॉजेज ऑफ द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जब हम लोग पर्यावरण की जहां पर बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रीन। ग्रीन आपको इस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन के संसाधनों का यूज करना है। यूजर्स नीड टू यूज द एचआरएम पॉलिसीज इन सच अ मैनर सो हम लोग प्रमोट कर सकें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को। ठीक है, जहां पर इन्वायरमेंट साथ में लग गया उसको हम लोग बोलेंगे ग्रीन एचआरएम। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की हम लोग बात करते हैं ग्रीन एचआरएम में। ग्रीन एचआर इनवॉइस टू एसेंशियल एलिमेंट, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए एचआर पॉलिसी प्रैक्टिसेस, द प्रिजर्वेशन ऑफ द नॉलेज कैपिटल, जो नॉलेज कैपिटल है, जो नॉलेजेबल लोग हैं, जो नॉलेज कैपिटल क्या, जो नॉलेजेबल लोग हैं, जो स्किल बेस्ड लोग हैं, उनको हम लोग प्रिजर्व करें। ठीक है, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एचआर प्रैक्टिसेस हो और प्रिजर्वेशन ऑफ द नॉलेज कैपिटल। अब आए नीड फॉर जीएचआरएम, समझ गए ना। ग्रीन एचआरएम क्या, ग्रीन एचआरएम वो एचआरएम होता है जहां पर हम लोग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली की बात करेंगे, पेपरलेस की बात करेंगे, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कैपिटल की बात करेंगे, प्रिजर्वेशन ऑफ द नॉलेजेबल कैपिटल की बात करेंगे, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ऐसी एचआर प्रैक्टिसेस बनाएंगे ताकि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रहे, ऐसे को हम लोग ग्रीन एचआर कहेंगे। नीड फॉर जीएचआरएम, रिडक्शन इन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स, रिडक्शन इन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स, कंसंट्रेट ऑन सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, कंसंट्रेट ऑन सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ए पॉजिटिव ज्वाइंट एफर्ट बाई एवरीवन, सामाजिक और पर्यावरण फैक्टर्स पे हमको ज्यादा दिमाग ध्यान देना है, इंप्लाइज आर मोर कमिटेड एंड सेटिस्फाइड। ठीक है, दुनिया का हर इंसान, एवरीवन डिजर्व ए ग्रेट वर्क प्लेस, सब इंसान यही चाहता है कि ग्रेट वर्क प्लेस मिले, वहां पर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटीज की बात हो, लोग ज्यादा कमिटेड तरीके से काम करें, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत अच्छे हों, सोशल फैक्टर अच्छे हों। अब आया जीएचआरएम प्रैक्टिसेस, ग्रीन रिक्रूटमेंट, ग्रीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ग्रीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ग्रीन कंपनसेशन, ग्रीन इनिशिएटिव्स। पहला है ग्रीन रिक्रूटमेंट। ग्रीन रिक्रूटमेंट मतलब क्या है, ग्रीन रिक्रूटमेंट मीन्स ए पेपर फ्री रिक्रूटमेंट। आप रिक्रूटमेंट करिए जहां पर पेपर का प्रयोग नहीं करिए, पेपर में नहीं, पूरा इलेक्ट्रॉनिकली करिए। कैसे करिए, डिजिटली करिए, उसको बोलेंगे हम लोग ग्रीन रिक्रूटमेंट। क्या बोलेंगे, ग्रीन रिक्रूटमेंट। तो ग्रीन रिक्रूटमेंट मीन्स है पेपर फ्री रिक्रूटमेंट प्रोसेस विद ए मिनिमल इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, ताकि पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़े। एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड थ्रू ऑनलाइन मीडियम लाइक ईमेल, ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म ऑन द ग्लोबल टैलेंट पूल, मतलब और द हम लोग ईमेल मंगा लिया, व्हाट्सएप से मंगा लिया, फेसबुक से मंगा लिया, आपने किसी भी माध्यम से आपने सीवी मंगाया, किसी भी माध्यम से रिज्यूम मंगाया, बट कुल मिलाकर काम ये करना है आपको पेपरलेस करना है ताकि इन्वायरमेंटल पे कम प्रभाव पड़े। हाँ, रिडक्शन इन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब है कि ओवरऑल जो इकोलॉजिकल है उनका कम ओवरऑल इंपैक्ट कम पड़े। इकोलॉजिकल तो पता ही ना, हिंदी में क्या बताए इकोलॉजिकल का, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ग्रीन एचआरएम को ऐसा करना है तो इकोलॉजी हमारी अच्छी होगी, फुटप्रिंट्स हमारे उसके कम होंगे। इफ पॉसिबल टेलीफोन और वीडियो बेस्ड इंटरव्यू आर कंडक्टेड टू मिनिमाइज एनी ट्रेबल रिलेटेड इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। कोशिश करिए इंटरव्यू भी ओवरऑल टेलीफोन लीजिए, स्काइप ही लीजिए, ताकि अगर कोई इंसान आएगा, बाइक से आएगा, कार से आएगा, तब भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट इंपैक्ट होगा। तो इफ पॉसिबल द टेलीफोन और वीडियो बेस्ड इंटरव्यू आर कंडक्टेड टू मिनिमाइज एनी ट्रेबल रिलेटेड इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। ये तो हो गया ग्रीन रिक्रूटमेंट। अब आया ग्रीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ग्रीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल कंसर्न एंड पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। इट आल्सो कंसंट्रेट यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रोल ऑफ मैनेजर्स टू अचीविंग दिस गोल्स इंक्लूडेड इन अप्रेजल। ग्रीन स्टैंडर्ड फॉर ऑल डिपार्टमेंट सच एज वेस्ट रिडक्शन एटसेट्रा। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द गोल्स। तो जब हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे तो इन सब चीजों का दिमाग में रखेंगे। जो भी डिपार्टमेंट वेस्ट रिडक्शन करेगा, जहां पर बर्बादी सबसे कम होगी,
ऐसे डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा करेंगे, उन लोगों को कुछ भी इन्वायरमेंटली इन्वायरमेंटली अपग्रेडेशन के लिए, इन्वायरमेंटल अपग्रेड करने के लिए उनको कुछ टास्क दिए जाएंगे, और जो भी इंप्लाइज इन्वायरमेंटल को अपग्रेड करने के लिए काम करेगा उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छी करी जाएगी। तो बी वॉट एक्चुअली वी हैव टू डू, हम लोग उसको कुछ इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देंगे ताकि वो, और उन इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो भी इंप्लॉयज पूरा करेंगे उनको हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा देंगे। ग्रीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ग्रीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज कंडक्टेड टू द इंप्लॉयज इन ऑर्डर टू एडुकेट देम अबाउट द इन्वायरमेंट। हम अपने इंप्लॉयज को एजुकेट करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में बताने के लिए कि आपको पानी पानी कम बर्बाद करिए, इलेक्ट्रिसिटी कम बर्बाद करिए, वाटर पोल्यूशन मत करिए, एयर पोल्यूशन मत करिए, सॉइल पोल्यूशन मत करिए, ठीक है। तो व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू, ग्रीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब है वी हैव टू ट्रेन अवर एम्प्लॉयज टू एडुकेट दैम अबाउट द इन्वायरमेंट, क्रिएटिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अमॉन्ग द वर्क फोर्स बाय कंडक्टिंग सेमिनार्स एंड वर्कशॉप एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अचीव गुड इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। हम लोग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोग सेमिनार्स करेंगे, वर्कशॉप्स करेंगे ताकि हम लोग इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को अचीव कर सकें। ट्रेन द एम्प्लॉयज हाउ द एनर्जी कैन बी कंजर्व्ड, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करेंगे एनर्जी कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ट्रेन देम बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो कैसे हम लोगों को उनको ट्रेनिंग करेंगे, कैसे हम आज किस तरीके से हम लोग इन्वायरमेंटली हम लोग अपने आप को अपग्रेड कर सकें, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को अचीव कर सकें हम लोग, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ग्रीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आया ग्रीन कंपनसेशन, सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द ग्रीन रिवॉर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू मोटिवेट मैनेजर्स एंड नॉन मैनेजर एम्प्लॉइज ऑन कॉर्पोरेट इन्वायरमेंटल मैनेजर्स इनिशिएटिव ग्रीन रिवॉर्ड मैनेजमेंट हैज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड प्रैक्टिस इन टू वे सच एज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल वाइज इंसेंटिव बोनस कैश रिवॉर्ड फॉर देयर गुड इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड अवार्ड स्पेशल रिकॉग्निशन ऑनर्स प्राइज फॉर देयर गुड इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। तो कुल मिलाकर बात यह है जो लोग भी अच्छा काम करेंगे उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, फाइनेंशियल रिवॉर्ड दिया जाएगा, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड दिया जाएगा। फाइनेंशियल रिवॉर्ड ये हो गया उनको सैलरी बढ़ा दिया, बोनस दे दिया, इंसेंटिव दे दिया, कैश रिवॉर्ड दे दिए। नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड हो गए स्पेशल रिकॉग्निशन पहचान दी जाएगी, ऑनर दिया जाएगा, प्राइज दिए जाएंगे ताकि वो लोग इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को अपना हमेशा अपग्रेड करते रहें। अब आया ग्रीन इनिशिएटिव, कंप्लीट अडॉप्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द GHRM इन बिजनेस इज नॉट इम्पॉसिबल बट रिक्वायर अ चेंज अप्रोच टूवर्ड द एग्जिस्टिंग HR पॉलिसीज ऑन पार्ट द बोथ द मैनेजमेंट एज वेल एज द एम्प्लॉयज साइमल्टेनियसली। द मेजर ग्रीन इनिशिएटिव, ग्रीन बिल्डिंग, पेपरलेस ऑफिस, कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी, रिसाइकलिंग द वेस्ट। तो हम लोग किस तरीके से ग्रीन HRM का बात कर सकते हैं, ग्रीन बिल्डिंग करिए, आप बिल्डिंग बिल्डअप करिए ग्रीन HRM अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, पेपरलेस ऑफिस रखिए, कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी करिए, वेस्ट जितना वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल करिए, एक साइड आपने पेपर यूज कर लिया उसको दूसरी साइड भी यूज करिए, ठीक है। पहला हो गया ग्रीन बिल्डिंग, क्या होता है ग्रीन बिल्डिंग, फुलफिल सर्टेन क्राइटेरिया फॉर रिड्यूसिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर यूटिलाइज इन द कंस्ट्रक्शन। तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो यूटिलाइज होते हैं कंस्ट्रक्शन में कोशिश करिए कम से कम यूज करिए, कम से कम यूज करिए। ग्रीन बिल्डिंग इंक्लूड सम इनहांस फीचर रिलेटेड टू द ग्रीन प्रैक्टिस सच एज एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ग्रीन बिल्डिंग इंक्लूड सम इनहांस फीचर जैसे कि एनर्जी ऐसी बिल्डिंग्स बनाइए, ऐसा इंफ्रा क्रिएट करिए जहाँ एफिशिएंसी उसकी इंप्रूव रहे, कम से कम एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा रहे और एनर्जी कम से कम यूज हो, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करा जाए, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट का काम किया जाए। ग्रीन बिल्डिंग ऑल्सो सर्व एज ए प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंशियल सेविंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज द कंस्ट्रक्शन एंड एनर्जी इन्वॉल्व लो कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड ग्रीन बिल्डिंग। पेपरलेस ऑफिस आपको पता ही है कि बिना पेपर के काम करिए, पूरा काम डिजिटली करिए, ठीक है। पेपरलेस ऑफिस इज अ वर्क प्लेस वेयर द यूज ऑफ पेपर इधर रिस्ट्रिक्टेड और एलिमिनेटेड बाय द कन्वर्टिंग इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एंड अदर पेपर इन टू ऑटोमेटेड वर्क फ्लो। द प्रैक्टिस ग्रेटली रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेपर, कॉस्ट ऑफ पेपर रिलेटेड एक्शन इंक्लूडिंग कॉपिंग, प्रिंटिंग एंड स्टोरिंग, ऑल्सो सेव द टाइम यूज फॉर सर्चिंग पेपर डॉक्यूमेंट्स।
सीधी सी बात है, पेपर डॉक्यूमेंट्स अगर सर्च करना है आपको टाइम ज्यादा लगता है, तो अगर आप ईमेल पे रखेंगे मोबाइल पे रखेंगे तो आप एक बार में उसको लिखिए सर्च कर लीजिए, बट एक इतना बड़ा बंडल होगा उसमें से दो पेपर यूज कर सर्च करना हो आपको पूरा बंडल आपको सर्च आउट करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम भी बचता है हमारा और पेपर भी बचेगा। बाई रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पेपर वी कैन सेव मेनी ट्री, सीधी सी बात है अगर पेपर बचाएंगे तो हम लोग कई सारे पेड़ भी बचा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द ऑफिस हैज टू पोटेंशियल फॉर ए ग्रेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बाई टर्निंग टू द पीसीज, अगर ऑफिस से जा रहे हैं आप पीसी अपने लैपटॉप कंप्यूटर टर्न ऑफ कर दीजिए, ट्यूबलाइट ऑफ करिए, टीवी वाइल लिविंग विल सेव अ लॉट ऑफ पावर, कंपनी स्टार्टेड टू यूज रिन्यूएबल एनर्जी एंड इवन स्टार्टेड टू यूज सोलर एनर्जी, आजकल लोग सोलर एनर्जी यूज करना शुरू कर दिए हैं। ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑल्सो प्रमोटिंग द एक्सटेंसिव यूज ऑफ एनर्जी स्टार रेटेड लाइट्स बल्ब, होता नहीं 5 स्टार यूज करिए 7 स्टार यूज करिए, एक जो बल्ब होता था पहले ट्रेडिशनल कितना इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंज्यूम होती थी, आज लोग LED और LCD का जमाना आ गया है। रिसाइकलिंग द वेस्ट, रिसाइकलिंग इन द मेथोडोलॉजी और प्रोसेसिंग यूज बाय मटेरियल इनटू न्यू एंड यूजफुल प्रोडक्ट, रिसाइकलिंग रिड्यूस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल दैट वुड हैव बीन अदरवाइज यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, तो रिसाइकिल करिए चीजों को, दिस प्रैक्टिस सेव्स एनर्जी एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट दैट इज थ्रोन इनटू द डस्टबिन thereby making the environmental cleaner and the air fresher. Advantage of GHRM, healthy work environment, less cost, ecological balance, flexibility, rebate and tax benefit. बहुत सारे organizations ने जो क्या करा, जो लोग भी GHRM पर ज़्यादा focus कर रहे हैं उनको government of India, government of the state, वो लोग क्या कर रहे हैं उनको tax में rebate दे रही है, clear? Flexibility होगी, ecological balance होगा, लेस कॉस्ट होगी, हेल्दी वर्क एनवायरमेंट होगा। कन्वर्जन एक्सपेंशन, जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसको पेपर से डिजिटली तो कॉस्टिंग ज्यादा इंक्लूड होती है, कॉस्टलियर होता है, लैक ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, अगर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं होगी तो आप कहीं ना कहीं डिजिटली उसको यूज नहीं कर पाएंगे। कंक्लूजन तो पता ही है कि ग्रीन HR स्टिल इन द इनिशियल स्टेज, भारत में अभी भी इनिशियल स्टेज पे ही है। ग्रोइंग अवेयरनेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन इश्यूज हैव बीन कंपेल्ड देम टू एम्ब्रेस, तो कुल मिलाकर अभी भी हम लोग बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर ही है, बट अभी से हम लोग काम करना शुरू करेंगे तो अगले 10 साल 20 साल 50 साल बाद हम लोग कहीं ना कहीं ग्रीन HRM पे काम करना शुरू कर देंगे, एक एडवांस स्टेज पर पहुंच जाएंगे। दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आप बताइए किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज डू टेल मी। तो बंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ पे आएंगे, तो बंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय, टेक केयर।